मथुरा वृंदावन में तो भैया योगी जी का ही हल्ला है और योगी जी ही आएंगे। पहले लाइट भी नहीं आती थी यहाँ मथुरा जिले में, मालूम पड़ रहा है कि सैफ भाई और एटा साइड में ही लाइट आ रही है। देखो ये जो RLD हुआ, अखिलेश हुए, ये केवल जातिवाद की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। और बीजेपी में या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ है, सबका विकास है। सब तरह से विकास है, हिंदुस्तान का विकास हो रहा है सबसे अच्छा, उत्तर प्रदेश का पूरा विकास है, अच्छा है, चैन से रह रहे हैं सब लोग, अच्छा, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गई, और जो करेगा वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ कुछ लोग हैं मेरे साथ, आइए उनसे जानते हैं क्या है यहाँ चुनावी माहौल और ये किस को मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे। क्या नाम है? जयराम शर्मा जी, बताइए मुख्यमंत्री। योगी जी। सपा का के बारे में कुछ नहीं कहना है, सिर्फ योगी जी कहना है। बीजेपी के अलावा सपा ने और आलोद ने गठबंधन किया है, कितने कर ले योगी जी आएंगे? क्यों, सागिल पहुंचने की उम्मीद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ योगी जी, भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कुछ नहीं। जी मथुरा वृंदावन में तो भैया योगी जी का ही हल्ला है और योगी जी ही आएंगे। जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं होने वाला, केवल योगी जी आएंगे। सपा आरोप लगा रही है कि बेचैन हो गए हैं योगी जी हमारी रैलियों में भीड़ देखकर। नहीं, बेकार, वो खुद परेशान, मुझे ऐसा लग रहा है वो खुद ही बेचैन है। योगी जी ही आने हैं और योगी जी ही आएंगे, आने भी चाहिए। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार नहीं दे पाए युवाओं को लेकर, उसको लेकर क्या? हाँ, मानते हैं हम लोग थोड़ी बेरोजगारी भी बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ी है, मगर धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि 2 साल कोरोना में बिगड़ा है और धीरे धीरे गाड़ी आ जाएगी लाइन पर। अखिलेश कह रहे हैं कि आते हैं सत्ता में तो फ्री बिजली देंगे, लाखों रोजगार देंगे युवाओं को लेकर, जब आपकी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, महंगाई बढ़ाई, तो फिर आप योगी को क्यों चाहते हैं? देखिए, सपा ने पहले भी 5 साल राज किया है, पहले भी सपा ने जब कहाँ चली गई थी सपा, तब उस टाइम पर उन्होंने क्यों नहीं लोगों को रोजगार दिया, तब क्यों बेरोजगारी थी? आज जब चुनाव आ रहा है तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि साहब अब क्या नाम है, हम रोजगार देंगे, बिजली भी फ्री करेंगे। पहले फ्री नहीं दे पाई थी क्या? पहले लाइट भी नहीं आती थी यहाँ मथुरा जिले में, मालूम पड़ रहा है कि सैफ भाई और एटा साइड में ही लाइट आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप पचौर। तो ये प्रियंका भी इस बार मैदान में कूद चुकी है, तो क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री हमारे योगी ना देंगी, प्रियंका कुछ टक्कर नहीं दे पाएंगी? नहीं नहीं, वो तो खाली अपना हल्ला चल रहा है उनका, नाम योगी का। लड़ सकती हूँ, महिलाओं काफी जोड़ रही है, वो देश की आबादी आदि, ऐसा कुछ नहीं है उनका सोचना है। हाँ, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बार सरकार ने कुछ नहीं किया, 4.5 साल हाथ पे हाथ धरी बैठी रही, विपक्ष आरोप लगा रहा है। लगाने तो आरोप कौन कौन लगाएगा? आरोप का तो काम है, आरोप ही लगाएगा, विपक्ष को तो हल्ला करना है केवल। और यहाँ देखिए मथुरा में आके कितना विकास हुआ है, सब लोगों को मालूम है, इस कोरोना काल में भी मथुरा में बहुत अच्छा विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सब तरह से विकास है, हिंदुस्तान का विकास हो रहा है सबसे अच्छा, उत्तर प्रदेश का पूरा विकास है, अच्छा है, चैन से रह रहे हैं सब लोग, अच्छा, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गई, और जो करेगा वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो पिछली सरकार और सरकार में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, पिछली सरकार में बहुत लुटेरे थे, पिछली सरकार में खुद सरकार ही लूटती थी, लौटवाती थी, लेकिन अब के सब लोग बिल्कुल चैन से रहते हैं इस उत्तर प्रदेश में। योगी जी आएंगे। क्यों आएंगे? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी आएंगे। बढ़िया काम करते हैं, आप बताइए। बढ़िया, गरीबों को मकान बनवाया, सब कुछ कर किया है, जो काम पहले है, नहीं हो रहे थे, अब हो रहा है सब कुछ। केजरीवाल को लेकर भी कुछ नहीं? केजरीवाल देखिए दिल्ली में अच्छी सरकार चला रहे हैं, कोई बात नहीं है, मगर यहाँ मथुरा में और क्या यूपी में अभी अखिलेश जी का यहाँ नहीं हो, सॉरी केजरीवाल जी का यहाँ नहीं हो पाएगा। केजरीवाल ने अभी एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि सपा में कब्रिस्तान बने और भाजपा में शमशान, लेकिन मैं आऊँगा तो स्कूल बनवाऊँगा जहाँ शिक्षा मिले और देश तरक्की करे। नहीं, स्कूल तो देखिए यहाँ पे भी हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी गवर्नमेंट ने मजबूत किया है, और दिल्ली का आज वो बता रहे हैं कि हमने स्कूलों को मजबूत किया है, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे शिक्षा का अच्छा स्टैंडर्ड है। और देखिए, और अखिलेश की सरकार में ये कंडीशन थी, शाम को 6 बजे के बाद बहन बेटियों को निकलना दुश्वार हो जाता था, और आज बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं योगी जी की सरकार में, तो हमारी ओर से केवल योगी जी ही आने चाहिए। ओवैसी ने एक बयान दिया है कि योगी जी मठ में चलेंगे कुछ साल बाद और मोदी जी अपने घर, फिर लोगों को कौन बचाएगा? ओवैसी जी की तो बात ही मत करो, उनका तो कोई स्थान कहीं है ही नहीं है,
उनको तो ये उत्तर प्रदेश चाहता ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन इस तरह के बयान आप किस तरह देखते हैं, इस तरह के बयान देना? उनका कोई काम ही नहीं देखा, सिर्फ मतलब ये असमंजस फैलाना और कुछ नहीं है सर। वो तो मोमदन की वोट लेते हैं, हिंदुओं से उनका कोई तत्पर नहीं है। अभी 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 एक मुद्दा बड़ी जोरों से आया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा की चिप को लेकर, किस तरह देखते हैं उस मुद्दे को आप? नहीं, उसमें देखिए पंजाब सरकार फेल रही है और जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है ये गलत हुआ है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। कुछ लोग हैं और मेरे साथ आई बात, क्या नाम है? मेरा नाम संत शर्मा। मुख्यमंत्री योगी जी। क्यों ऐसा क्यों? योगी जी की बढ़िया, उनका नेचर भी बढ़िया है, सब काम उन्होंने बढ़िया किया है। कुछ नेचर पे सरकार नहीं चलती है। नहीं नहीं, उनका काम कौन सा काम नहीं किया उन्होंने बताओ, कौन सा काम नहीं किया उन्होंने? सारी व्यवस्था संभाल दी, राम मंदिर बना दिया और क्या चाहिए? मथुरा में राम मंदिर बनने की तैयारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और क्या चाहिए आपको? कांग्रेस कह रही है कि पंजाब सरकार की कोई चुप नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रधानमंत्री की चुप को पहले बता रहे हैं। देखिए सरकार का तो काम है, वो तो अपने ऊपर से आरोप हटाएगी, मगर यहाँ ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है और ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। लेकिन पंजाब जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो किसी भी अपने ऊपर दायित्व लेने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ भी गलती नहीं हुई है, मोदी जी केवल ड्रामा कर रहे हैं। देखिए वहाँ इंक्वायरी बैठी हुई है और वो आगे जल्दी ही उसका निकाल के देगी। सपा ने रालोद के साथ गठबंधन किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए अब ये चुनावी माहौल है, इसमें गठबंधन भी होंगे, पार्टियां भी आएंगी, एक दूसरे से गठबंधन होंगे जब भी पार्टियां मजबूत। एक्चुअल में ये है कि बीजेपी के सामने और पार्टियां अकेली टिक नहीं पा रही हैं, तो इन लोगों की मजबूरी है, गठबंधन तो उनको करना ही है। मगर फिर भी मेरे हिसाब से राष्ट्रीय, पहले भी देखिए अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, उस टाइम पर भी फेल हुआ था, और ये RLD के साथ हुआ है, ये भी बिल्कुल फेल होना है। आप किसानों को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से किसान बीजेपी से नाराज है उत्तर प्रदेश? नहीं, किसान उत्तर प्रदेश में कोई नाराज नहीं है योगी जी। क्यों नहीं है? किसान बिल का काफी विरोध किया था, कई लोग उसमें शहीद हुए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। क्या मानते किसान है बीजेपी के साथ? हाँ, क्यों नहीं है बीजेपी? लेकिन जाट जो है वो अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक किसान जाट। देखो ये जो RLD हुआ, अखिलेश हुए, ये केवल जातिवाद की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। और बीजेपी में या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ है, सबका विकास है। अब प्रियंका कह रही है राजनीति में आती है तो फसल के दाम बढ़ाएंगी और 3 सिलेंडर फ्री देंगी महिलाओं को। नहीं, प्रियंका जी देखिए कांग्रेस सरकार शुरू से ही राज कर रही है, आज ये चीजें क्यों, ये चुनावी माहौल पर क्यों घोषणाएं हो रही हैं? उससे पहले इन लोगों ने, देखो ये कांग्रेस ने पहले भी शासन किया है, 10 साल शासन किया है, पहले क्यों नहीं उसने कुछ करा? आज चुनावी माहौल में तो सब छूट देने के लिए तैयार हैं, तो ये केवल चुनावी मुद्दे हैं, ये कुछ नहीं होने वाला। सब लोग दे रहे हैं अब वोट का, पहले क्यों नहीं कर रहा था? हाँ, जिंदाबाद। किसान कितने नाराज हैं? एक और नाराज ना है साहब, रत्ती बार और नाराज है सर, लफंडर नाराज है, हराम का खाने वाले नाराज है, किसान एक भी नाराज नहीं है, उनसे बहुत प्रसन्न है। अगर बात करें इस सरकार के कार्यकाल पूरा होने वाला है, हाँ, सपा की सरकार थी, इस पर भाजपा की, हाँ, दोनों कार्यकाल में कितना अंतर पाते? जमीन और आसमान में जितना अंतर है उतना ही अंतर है। हाँ, हम हमारे करेजाएं योगी जी और मोदी जी हमेशा वही रहेंगे। हमको भारतीय जनता पार्टी चाहिए, हमें हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चाहिए, अब महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए हम हर तरह से झेलने के लिए तैयार हैं। गरीब आदमी कैसे झेलेगा? सब झेलेगा, सबके लिए सारी व्यवस्था है। गरीब आदमी को तीन तीन बार राशन मिल रहा है गरीब आदमी, और क्या हम योगी जी मोदी जी को खाएगा गरीब आदमी? काम करो, मेहनत करो, गरीब किससे रहता है? आदमी जो मेहनत नहीं करता वो गरीब है, और मेहनत करता कोई गरीब नहीं है, सब कमाते और खाते हैं। आइए, कुछ लोग हैं मेरे साथ। हाँ, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी बताइए कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे वोट करने के लिए? शायद मेरे से बीजेपी है योगी जी। युवा हैं, आपको रोजगार मिला सरकार में? हाँ मिला। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी। क्या कारण? कारण ये है, अगर गरीबों को राशन मिल रहा है, सहायता भी कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गरीबों के लिए कुछ भी सरकार, विपक्ष तो कुछ भी कर सकता है, विपक्ष विपक्ष ही होता है। तो विपक्ष मानते हैं जो ये फ्री देने की बात कर रहा है सब चुनावी स्टंट है? अभी कुछ भी हो सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि बिजली फ्री देंगे, नौकरियां लगवाएंगे, राशन फ्री देंगे। अब वो तो सब कहवे नहीं है, कहते हैं सब चुनाव माहौल है। विपक्ष के रैलियों में देखा जा रहा है काफी भीड़ आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब भीड़ तो सब में है, विपक्ष में तो विपक्ष ही हो, सबरी पार्टी मिल चुकी है, भीड़ तो और होगी। तो भीड़ को देख के नहीं लग रहा कि वो विपक्ष आ जाएगी इस बार, साइकिल पहुंच जाएगी? मुश्किल है। साइकिल क्या कहेंगे, भीड़ बहुत आ रही है रैलियों में, क्या कहेंगे इसको लेकर?
देखिए भीड़ तो चुनावी माहौल है, भीड़ तो इकट्ठी करनी है, पार्टियों की मजबूरी है, भीड़ तो उनको इकट्ठी करनी है, चाहे कैसे भी साम दाम दंडभेद, भीड़ तो इकट्ठी हो रही है, मगर जनता का जो रुझान है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो लखनऊ साइकिल लखनऊ तक नहीं पहुंच पाएगी? नहीं, अब मेरे हिसाब से तो नहीं पहुंच पाएगी। तो बात करें अगर मायावती जी की, मायावती तो कहीं रेस में ही नहीं है, उनका तो बेकार है। क्यों? वो ये कह रही कि अभी हमारा साइलेंट वोट पड़ा नहीं, वो तो मायावती जी का हाथी सोया हुआ है, वो अभी जग ही नहीं रहा है, उसको तो मोदी जी ने भी जगाया है, बहन जी उठी है पर वो जगी नहीं रही है। अगले अमित शाह भी गए, उनने भी कहा है भाई ये मायावती सोई हुई है, इनको जगाइए, पर वो तो कहीं है ही नहीं, रेस में ही नहीं है। मायावती कह रही है कि प्रचार हम अपने टाइम समय पे आके करेंगे, कोई हम बीजेपी को मायावती का साइलेंट वोट है वो पूरा पड़ेगा सरकार हमारी। यो कह रहा हूँ मायावती का कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सर सबन की मतलब मामला साफ है, इधर से सब योगी जी का ही मामला है। इधर साइकिल को लेकर क्या चाहिए? कुछ नहीं, साइकिल की जरूरत नहीं, सब पे बाइक और फोर व्हीलर है, गरीब से गरीब पे बाइक और फोर, साइकिल का कोई स्थान ही नहीं है, बताओ कोई चलती नजर ही नहीं आवेगी। पाक शासन काल में ये कंडीशन थी, जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन था उस टाइम पे, और ये अजीत सिंह का भी एक ही नारा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा, और आज गुंडों के साथ में उन लोगों ने गठबंधन कर लिया है, तो यूं करके RLD और सपा का तो सफाया है मेरे हिसाब से। क्या मानते हैं कि ये गठबंधन सिर्फ चुनावों को लेकर ही होता है? ये चुनाव के टाइम पे ही केवल राजनीतिक चल रहा है मामला, और हो सकता है ये चुनाव होने के बाद फिर अलग भाग जाएंगे, जैसे भुआ बबुआ अलग भाग गए थे, आज RLD और सपा भी अलग होंगे। अभी कुछ लोग हैं मेरे साथ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत है। कृष्णकांत बताइए इस बार मुख्यमंत्री कौन? इस बार योगी। साइकिल के बारे में क्या मतलब? साइकिल अखिलेश उसके बारे में बिल्कुल नहीं, वो तो बेकार है, वो जब बाकी सरकार आई बाने खुल के कह दी कि हमारी यहाँ पे वोट ही ना आए, मान के चलो यहाँ पे कम वोट आती ज़्यादा नहीं, परंतु काम के मामले में खुल के मना कर दी, मथुरा वृंदावन हम काम करेंगे ही नहीं, क्यों हमारी यहाँ पे वोट ही नहीं आई है। यूपी की बात करें तो अखिलेश बन पाएंगे मुख्यमंत्री? नहीं बन पाएंगे। क्यों? कौन बनेगा फिर? योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्यों? उनका काम अच्छा लग रहा है और दिख रहा है काम जबरदस्त, वही निकलेंगे। तो देखा आपने यहाँ जितने भी लोग थे सब योगी जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, क्योंकि उनके काम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर बात करें लेकिन योगी की सभी तारीफ कर रहे हैं। मातुल शर्मा, DK News, मथुरा।